आपको मालूम है कि दुनिया की हर कौम में रोजे का रिवाज है। यहूद हों, क्रिश्चन हों, बुद्धिस्ट हों, दुर्तत्व हों, आतिशप्रस्त हों, हिंदू हों, सब रोजा रखते हैं अपने अपने मन के एतबार से। मगर वो सब कहते हैं कि रोजा इसीलिए रखा जाता है कि आदमी के अंदर कुछ रोशनी पैदा हो और आदमी के अंदरूनी सफाई का सबब बने। सब ये सोचते हैं। तो अब ये बात अपनी जगह पर तय है। इसीलिए रसूल पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने रोजा रखा और गुनाहों से न बचा, फला हाजत लिल्लाह इला तर्क तआमिही व शराबी, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो आदमी अपना खाना पीना छोड़ दे। क्या अल्लाह ने रोजा इसलिए रखवाया था कि उसके खजाने में खाने पीने की कुछ कमी हो गई थी? डिपोजिट को कंट्रोल करने के लिए रोजा रखवाया था? हदीस में मेरे आका ने फरमाया है कि जब से आसमान और जमीन पैदा हुए, शबो रोज अल्लाह बेहिसाब अपना खजाना तकसीम कर रहा है। दिन रात उसकी सखावत का दरिया बट रहा, मगर उसके बावजूद फरमाते हैं कि इतना खर्च करने के बाद भी अल्लाह के खजाने में एक दाना कम नहीं हुआ। कितना बड़ा लामहदूद खजाना है मेरे रब का। तो उसने रोजा अपने खजाने खुराक को डिपोजिट सही करने के लिए नहीं मुकर्रर किया, बल्कि आपके ज़ोहदो तक्वा के लिए रोजा फर्ज है। इसलिए हुज़ूर फरमाते हैं जिसने रोजा रखा और गुनाहों से ना बचा, तो अल्लाह को जरूरत नहीं है कि वो आदमी अपना खाना पीना छोड़ दे। खाना पीना अल्लाह ने इसलिए नहीं छोड़वाया था कि उसके यहां कुछ कमी पड़ गई थी, इसलिए छोड़वाया कि खाना पीना छोड़ो ताकि अंदर अनवार बरकात पैदा हो, गुनाहों से बचो। इसी को कुरान हकीम ने फरमाया, कुतिबा अलैकुम सयाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले वालों पर, ताकि तुम लोग परहेजगार बनो। तो रोजा परहेजगारी के लिए बना। अब एक महीने की ट्रेनिंग है परहेजगारी की। अब ईद के दिन और उसके बाद देखना है कि ट्रेनिंग में कौन पास हुआ और कौन फेल। अगर पास हुआ तो उसके 11 महीने बहुत ही शानदार अंदाज में पास होंगे, और अगर इस ट्रेनिंग में फेल हुआ तो ईद आई और आदमी पर वईद बरसी। मुझे ख्याल आता है कि एक हदीस में कि ईद के दिन लोग खुशियों में मगन थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु अपना हुजरा बंद करके अंदर थी, लोग मिलने आए, आपने दरवाजा खोला, दाढ़ी तर बतर, आंखों से अश्क, आंखें अश्क बार। उन्होंने लोगों ने कहा हुजूर आज तो खुशी का दिन है, ये क्या? फरमाया खुशी उसकी है जिसने रमजान की बरकतें समेट ली और उसने अल्लाह की तरफ से माफी का परवाना हासिल कर लिया। जिसके रोजे कबूल हो गए उसके लिए ये आज ईद है। मुझे पता नहीं है कि अल्लाह ने मेरे सब कबूल किए कि नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं कि न कबूल किए हों तो रो रो करके मैं कबूल करवाऊं। तो अब आप अंदाजा करें कि जो लोग जम करके गुनाहों से परहेज करते थे, जिनकी परहेजगारी कयामत तक के लिए मीनारे हिदायत है,
अपनी परहेजगारी पर नाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के खतरा अल्लाह की तरफ से आते हुए खतरात का खौफ हमेशा अपने दिल में रखे हुए हैं। तो इसलिए नेकी करो इस जमाने में।